अगर आज की इस बड़ी अपडेट से किसी देश की कंपनीज को सबसे ज्यादा डर लगने वाला है तो वो है चीन, क्योंकि एक अकेली भारतीय कंपनी ने एक अफ्रीकन देश में चीनी कंपनीज को सीधी टक्कर देने का ऐलान कर दिया है। बजाज, टीवीएस और हीरो के टू व्हीलर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनीज को अफ्रीका से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है और बची हुई कसर ये भारतीय कंपनी पूरा कर देगी, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मार्केट में चीनी कंपनीज थोड़े बहुत अपने पैर जमाई हुई थी, लेकिन अब इस सेगमेंट को भी हथियाने के लिए एक भारतीय टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कूद पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जून 2021 की एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि वन इलेक्ट्रिक भारत में बनी अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का एक्सपोर्ट कीनिया समेत 5 अफ्रीकन देशों को करना शुरू कर चुकी है और अपनी रगेड क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस की वजह से इन अफ्रीकन देशों में इस भारतीय बाइक को अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है, जिसकी वजह से न केवल अपने पर्सनल यूज बल्कि डिलीवरी और बाइक टैक्सी की तरह इस कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक्स कीनिया में खरीदी जा रही है। अब खबर यह है कि पहली बार वन इलेक्ट्रिक अपनी एक लोकल असेंबली प्लांट कीनिया में लगाने वाली है और अच्छी बात यह है कि हब मोटर और बैटरी कंट्रोलर जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स इसके लिए भारत से ही सप्लाई होंगे। शुरुआत में हैंडल बार, स्टैंड्स और कैरियर जैसे पार्ट्स कीनिया में लोकल मैन्युफैक्चरर से ही सोर्स किए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कीनिया में बनी बाइक्स में लोकलाइजेशन को बढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट वन इलेक्ट्रिक ने प्रेस को दी अपने इंटरव्यू में ये कहा कि इस साल के अंत तक एक बैटरी असेंबली यूनिट भी कीनिया में सेटअप की जाएगी। कीनिया में पहली भारतीय कंपनी बनेगी जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लोकली असेंबल करेगी। ऑलरेडी अफ्रीका के कई देशों में चाइनीज कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का मार्केट खड़ा कर चुकी हैं और काफी तेजी से इन देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए, अभी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इस कंपनी को भारतीय मार्केट में कैसा रिस्पांस मिला है, क्योंकि भारत की बजाय अफ्रीकन देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का केवल एक ही मतलब हो सकता है और वो ये कि ये ब्रांड भारतीय मार्केट से ज्यादा बेहतर ओवरसीज मार्केट में परफॉर्म कर रही है। कीनिया और अफ्रीका के कई देशों की वेदर कंडीशंस भारत से काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं और जनरली भारतीय ऑटोमोबाइल्स को टफ रोड कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन और डेवलप किया जाता है। यही वजह है कि जहां पर चाइनीज टू व्हीलर्स कुछ ही महीनों में दम तोड़ देते हैं, वहीं भारतीय टू व्हीलर्स को खराब रास्तों में भी हैवी लोड कैरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारतीय टू व्हीलर्स की ड्यूरेबिलिटी ही एक रीजन है कि बजाज, हीरो, टीवीएस कई सालों तक अफ्रीकन देशों में टिक पाई और चाइनीज कंपनीज को इस मार्केट से उखाड़ फेंका। लेकिन वन इलेक्ट्रिक कंपनी को लेकर कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिसको हमारे लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि इनकी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के नाम पे केवल एक ईमेल एड्रेस ही दिया हुआ है। इसको लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इनका ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे है। इनफैक्ट आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे कहीं पर भी फोन नंबर देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे लिए दावे से कह पाना कि वन इलेक्ट्रिक टोटली मेड इन इंडिया है ये थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी अगर ये खबर आपका दिन बना चुकी है तो कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।